अच्छा शाहजी बताइए कि इंटर्नशिप जिस तरह बहुत जरूरी है हर स्टूडेंट के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आप साथ स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जिस तरह आपने एक पॉइंट क्लिक किया है कि वो नहीं हो पाती कुछ स्टूडेंट के साथ, किस तरह वो टाइम मैनेजमेंट की जाए? क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ टाइम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, अगर आप मल्टी टास्कर बनना चाहते हैं तब भी आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, तो बताइए स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं या कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ स्टडी भी कर रहे हैं, किस तरह मैनेज करें? अच्छा देखें, मेरा मानना यह है कि एक इंसान ये जानता ही नहीं होता कि उसमें सलाहियत कितनी ज्यादा है। अच्छा। यानी इंसान का माइंड और इंसान की बॉडी, इंसान एज अ इंसान, अल्लाह ने इतनी सलाहियत इंसान के अंदर रखी है कि इंसान एक वक्त में चाहे कितने काम कर सकता है। हमें अपनी पोटेंशियल, अपनी सलाहियत का, अपनी कैपेसिटी का पता नहीं होता। जब कैपेसिटी का पता नहीं होता या स्किल्स का पता नहीं होता, बल्कि खुद मेरी अपनी जिंदगी में, हम यूनिवर्सिटी भी पढ़ा करते थे, ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, ठीक है कि नहीं? हम यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे, अकेडमी पढ़ाया करते थे, हम यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे, अपनी पढ़ाई भी किया करते थे। पढ़ाने से ये होता है कि आपकी खुद की भी लर्निंग हो जाती है। हम यूनिवर्सिटी भी पढ़ा करते थे, एक्स्ट्रा किताबें भी पढ़ा करते थे। यानी अगर आप करना चाहें, विल हो, विल के होते हुए आप दो काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विल नहीं है, वो ना आना चाहो, जो आना चाहो हजार रस्ते, ना आना चाहो उजर हजारों। सही। ये जो उजर हजारों है ना कि जी ये हो गया वो हो गया, ये उसके मसले हैं जो आना नहीं चाहता, जो करके दिखाना चाहता है, उसके लिए तो कोई काम मुश्किल नहीं है, वो तो इरादा करेगा, विल करेगा और निकल जाएगा। ठीक है शाह जी, बताइए कि जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या चीज फोकस्ड होनी चाहिए? क्या आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने फाइनेंस जनरेट करना है, या आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने जो एक एम सेट किया है आपने उसको अचीव करना है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिस्क का जो वादा है अल्लाह ताला ने किया हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि किस तरफ आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए। देखिए, एक यंग बच्चा, मैं उसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, यार कम कमा लो, सीखो ज्यादा। सही। ये सीखने की उम्र है, कैपेसिटी बिल्ड करने की उम्र है। अगर आप थोड़ा कमा लोगे या आपको मुफ्त भी काम करना पड़ता, खैर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होती है, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत किसी डीप फ्रीजर में फ्रीज हो रही है, सही, जमा होती जा रही है, और एक दिन ऐसा आना है कि वो सारी की सारी मेहनत जो उनसी है वो आपको उसका रिवार्ड मिल जाना है। जी शाहजी, बताइए कि सोचने की सलाहियत को बदलने की जो एक सलाहियत है बहुत से कम लोगों में होती है, लेकिन अगर आपके अंदर सिर्फ सोच है, अमल नहीं है, सोच है स्ट्रगल नहीं है, सोच है एम नहीं है, फिर आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? देखिए, ऐसा शख्स जो सिर्फ सोचता है, हाँ, अमल नहीं करता, बेअमल शख्स है, सही, वो दुनिया जिधर जहां मर्जी पहुंच जाए वो शख्स वहीं का वहीं रह जाता। ठीक है। इनिशिएटिव लेना ये क्वालिटी है और ये होनी चाहिए। कितना टाइम लगता है किसी भी इंजीनियर को अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर स्टडी वो कितना टाइम लगता है कि अब वो उन चीजों में कमांड हासिल कर ले, जो उसकी प्रैक्टिकल फील्ड में आगे स्किल्स आनी है उसमें कमांड हासिल कर ले? क्या स्टडी के बाद, फोर इयर्स एजुकेशन के बाद भी आपको मजीद फाइव इयर्स लगते हैं ट्रेनिंग में, या कितना अरसा आप एस्टिमेट करेंगे? देखिए, इंजीनियर्स ना काबिल लोग होते हैं, लाइक लोग होते हैं, ये बड़ी जल्दी लर्न करते हैं। मैं बास बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने विद इन टू इयर्स अपनी जगह बना ली है। मैं बास बच्चों को जानता हूँ जो एवरेज अगर कहूं तो चार साल के अंदर उन्होंने अपनी जगह बना ली। चार साल के अंदर आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर देते। सो कैपेसिटी बिल्डिंग जो उनसी है वो डिग्री के अलावा भी है। अच्छा। डिग्री के साथ साथ भी है। सो लर्न करने के बाद साथ आपको कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जरूर करनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, और वो इंटर्नशिप के हवाले से हो सकती है, वो जॉब हो सकती है, कोई ऐसी जॉब हो सकती है जिसमें बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन आप लर्न कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। इस थॉट को किस तरह चेंज किया जाए कि आप कम अर्न कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि आपने कहीं करना है? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल स्किल्स के हवाले से, और आज का प्रोग्राम खास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले शाहजी, मैंने आपको एक क्वेश्चन थ्रू किया था, वो ये था कि वो लोग जो अपने प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर है लेकिन पे बहुत कम है, तो अपने आपको सेटिस्फाइड किस तरह करें कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें इसका फ्रूट मिलेगा? अच्छा देखिए, बंदे की वो दौर जो मुश्किल दौर होता है, तकलीफ का दौर होता है, परेशानी का दौर होता है, जिसमें मुनासिब अर्निंग नहीं हो रही होती या ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे या दाम अच्छा नहीं मिल रहा होता, उस दौर में सबर तभी हो सकता है जब आपके पास फ्यूचर का विजन और ख्वाब है। सही। जब आपके पास कोई फ्यूचर का विजन और ख्वाब है ना, तो आपको पता है ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, उन लोगों की थॉट के बारे में क्या कहेंगे जो कोई काम इस तरह स्टार्ट नहीं करते, यही सोच के यार ये छोटा है,
ये मेरे लेवल का काम, उनको क्या कहेंगे? अच्छा देखें, काम का लेवल नहीं होता, काम के म्यार का लेवल होता है। म्यार का लेवल, अगर आपका म्यार बढ़ गया ना तो कुदरत आपको आगे जरूर लेकर जाती है। बाज लोग खुद कहीं किसी जगह पे रुकना चाहते हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी सलाहियत बेहतर हो गई है तो कुदरत आपको आगे ले ही जाएगी। ठीक है शाहजी, मुझे बताइए, आप यूटी गए हैं, स्टूडेंट्स के साथ आपने इंटरेक्ट किए हैं, अगर इदारे की मैं बात करूं यूटी के इदारे की, तो वो इदारा कितना बेहतरीन है, आपने क्या क्या वहां पे बेहतरियां देखी हैं, और इसके साथ साथ बताइए कि क्या क्या चीजें खास जो आपने देखी इस इदारे के अंदर जो किसी और इदारे में नहीं? अच्छा, यूईटी ना अपनी नोयत का एक मुनफरिद इदारा है, और बिलखसूस ये जो वक्त गुजर रहा है इस वक्त में यूईटी की, खास बात यह है कि यूईटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं इंतहाई काबिल इंसान है, और मैं सही मानों में कहूं तो एक मिसाली लीडर भी हैं। ठीक है, यानी इसमें कोई गलत नहीं है कि वो बेशुमार डिसीजंस ऐसे हैं जो इंतहाई मिच्योर डिसीजंस हैं, और मुझे खुशी होती है कि अगर उनको कोई अच्छी सजेशन जाती है, कोई अच्छा आइडिया दिया जाता है, वो जूनियर्स देते हैं, हम जैसे जूनियर्स देते हैं, तो वो बड़ा पॉजिटिव उसको वेलकम करते हैं। और उसको इस दौर में जो ये यूईटी का दौर जा रहा है, इसमें गेस्ट स्पीकर कल्चर आया, अच्छा, कि गेस्ट स्पीकर्स को वेलकम किया जाता है। मुझे कम से कम इस दौर में 28 दफा मुझे बुलाया गया, सोसाइटीज ने बुलाया, वाइस चांसलर साहब ने बुलाया, किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, और एज अ स्पीकर जो उनसे वो इन्वाइट किया गया, और बच्चों के साथ बाजुकात हुआ कि मेरी राय से कई लोगों का इख्तलाफ हुआ, लेकिन वाइस चांसलर साहब को मैंने हमेशा देखा, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, इसको जरूर हमें बेहतर करना चाहिए और यूनिवर्सिटी को मजीद बेहतर करना चाहिए। एक खास बात मैं और बताना चाहूंगा कि इस माशरे में बड़ी अच्छी चीजें कहीं इंडिकेट नहीं की जा रही होती, बताई नहीं जा रही होती, किसी अखबार और टीवी की जीनत खबर वो नहीं बनती, कई अच्छी खबरें। ये खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, यूईटी पाकिस्तान की शायद वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां पर ऑर्फन्स, एक ऐसा बच्चा जिसके वालिद नहीं है, यतीम बच्चा, उसकी फीस नहीं ली जाती। अच्छा, और इवन उसको हॉस्टल के चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ते, कमाल बात है। इवन कि उसको हॉस्टल के खाने के पैसे भी पे नहीं करने पड़ते, यानी उसकी मुकम्मल कफालत यूईटी करती है। पाकिस्तान में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कहती हैं मिनिमम चार्जेस तो देने पड़ेंगे, यूईटी कहती है नहीं, अगर आपके वालिद नहीं है, आप मेरिट पे आ गए हैं, तो आपकी फीस कोई नहीं है, हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल के चार्जेस नहीं है, खाना चाहिए, आपको खाना भी फ्री मिलेगा। और ये अच्छी मिसाल आज इस प्रोग्राम के जरिए भी हम बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अगर अच्छे काम कर रही है तो इस खबर को भी खबर बनना चाहिए, जहां इतनी बुरी खबरें सुबह से शाम तक हमारा मीडिया दिखाता है, ये अच्छी खबर, इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके अलावा बेशुमार दरख्त लग रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रूमिंग का बहुत बड़ा सेंटर है, बच्चों की ग्रूमिंग के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट जोन सा डॉक्टर जुल्फकार उसको लीड कर रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, लोग डोनेशन देते हैं, वो कहते हैं हमें डोनेशन नहीं चाहिए, आप हमें किताब दें, आप किताब खरीदें, किताब ला के दें, हम यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी एक अच्छी बनाना चाहते हैं। सो बेशुमार अच्छे काम यूईटी में हो रहे हैं। हमारे वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, खुदारा अच्छी चीजों को अच्छा जरूर कहा करें। अगर ये माशरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे और शुक्रिया की रवायत यूईटी लाहौर से ही हो, तो ये पूरा पाकिस्तान बदल सकता है। क्या बात है, एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है, एडमायरेशन बहुत जरूरी है। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए, ये सक्सेस की हम बात करें, प्रोफेशनल आप फील्ड में हो, बहुत सी चीजें आप करते हो, बहुत से लोग कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि हर टेक्निक्स उन्हें आ जाता है कि किस तरह करना है, कब करना है, कैसे करना है। जानना चाहूंगी कि लक यहां पर कितनी मैटर करती है, और टीचर की गाइडेंस की अगर हम बात की जाए, आपके पास टीचर की गाइडेंस नहीं है लेकिन आपके पास लक है, आप चल जाते हो, आप कामयाब हो जाते हो, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसका वाइस वर्सा कर लिया जाए तो क्या सूरत हाल बनेगी? अच्छा देखिए, जो लक है ना, ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। ठीक है, अच्छा उस्ताद ऐड हो जाए ना तो लक आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है, अच्छे लोग ऐड हो, दुआ देने वाले लोग हों, वालदेन की दुआएं हों। किस्मत का एक बड़ा हिस्सा इंसानी इख्तियार में, और वो इख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिया। अगर आप अपनी अपनी कोशिश पूरी करते हैं, अपनी एफर्ट पूरी करते हैं, अपना जोर पूरा लगाते हैं, तो यकीन रखिए कि अल्लाह उसका रिवार्ड आपको कहीं ना कहीं जरूर देगा। लेकिन सब्र का दामन जो है वो हमने थाम कर रखना है। अच्छा शाहजी, थोड़ा सा पर्सनल आपसे पूछना चाहूंगी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के हवाले से और इंजीनियरिंग के हवाले से क्या समझते हैं, कौन सी फील्ड बेहतर है या बेस्ट है? इंजीनियरिंग में केमिकल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, और भी बहुत सारी फील्ड है, क्या समझते? अपना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बताइएगा कि ये फील्ड जरा बेहतर है और क्यों। मेरा इस पे ना एक बड़ा ही सख्त सा जुमला है जो मैं कोट करता हूँ कि जो स्कोप है ना वो फील्ड का नहीं है, स्कोप बंदे का है, स्कोप काबिलियत का है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेकिन काबिल नहीं है, आपका कोई स्कोप नहीं है। सही। आप
वो इंजीनियरिंग जो टाउन प्लानिंग है जो सबसे नीचे कहीं लिखी होती है, जिसका मेरिट सबसे कम होता है, आप काबिल हैं, दुनिया में हर मुल्क आपको पासपोर्ट और वीजा देने को तैयार हो जाएगा आपकी काबिलियत की वजह से। हमारा प्रॉब्लम ये, हमारा बच्चा जो उनसे वो समझता है इंजीनियरिंग में फ्यूचर है, फ्यूचर आपके टैलेंट में है, फ्यूचर आपकी विजन में है, फ्यूचर आपकी मेहनत में है, आपकी सलाहियत में, आपकी काबिलियत में फ्यूचर है। आप अपने अंदर काबिलियत पैदा कर लीजिए, दुनिया के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजी। आज शाहजी ने हमें प्रोफेशनल स्किल्स के हवाले से बताया, साथ ही साथ लीडरशिप, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल स्किल्स इंजीनियरिंग में किस तरह जरूरी इस हवाले से बात की है। लेकिन जिस तरह हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम बुक इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप सबके लिए, ताकि आप सब उन्हें पढ़ सके और बहुत सी चीजें मजीद सीख सके। शाहजी बताइए आज हमारे पास बुक। अच्छा, आज दो किताबें हैं, मैं एक साथ में उन दोनों को जी जरूर, और ये किताब जो उनसी आज की है हमारी दो टोक बातें, ये किताब दो टोक बातें जो उनसी है, ये एक मारूफ पुलिस ऑफिसर जुल्फकार अहमद चीमा साहब की किताब है। अच्छा। जुल्फकार चीमा साहब जो उनसे हैं वो ना सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के लिए बल्कि हम जैसे जो लिखने वाले बोलने वाले लोग हैं उनके लिए मुर्शिद की हैसियत रखते हैं, और उनकी काबिलियत का एतराफ जो उनसे वो एक जमाना कर चुका है। अल्लाह ताला ने उनको एक ही वक्त में कई तरह की सलाहियतों से नवाजा है। आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, साथ ही साथ एक रियली ट्रेंड सेटर भी हैं, एक अच्छी मिसाल पेश करने वाले भी। आपकी ये किताब जो उनसी है वो कॉलम्स का मजमू है, आप एक मारूफ अखबार में कॉलम्स लिखते हैं, और दो टोक बातें ये आपकी पुरानी किताब है, मेरा ख्याल है साल दो पहले ये आ चुकी है। 83 में आपने CSS का इम्तिहान पास किया और उसके बाद ऑनवर्ड आप लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बेशुमार इदारों में सर्व करते रहे, मोटरवे पुलिस में सर्व किया। आप ना सिर्फ एक काबिल ऑफिसर हैं, एक शानदार इंसान भी है। आपकी दूसरी किताब, ये लेटेस्ट किताब आपकी आई है और पिछले जो संडे गुजरा इसमें इस किताब की तकरीबे रूनुमाई भी थी। इस किताब का नाम दो टोक है और इसमें भी वो तमाम कॉलम्स मौजूद हैं। ये दूसरी किताब भी एक बड़ी बेहतरीन किताब है। ये दोनों किताबें जो उनसी हैं मारूफ पब्लिशर संगे मील से ये प्रिंट हुई है, और दो टोक बातें और दो टोक जुल्फकार अहमद चीमा साहब और पब्लिशर का नाम जो उनसे है वो संगे मील। आप इस किताब को पढ़ने वाले जरूर पढ़ें, उनकी लाइफ में एक बड़ी अच्छी एडिशन होगी। जी बहुत शुक्रिया शाहजी। नाज़रीन आज आपने एंजॉय किया होगा हमारा ये प्रोग्राम, और आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, स्ट्रगल पे, मेहनत पे ध्यान दीजिए, नसीब और रिस्क की परवाह मत कीजिए, वो मालिक है इस चीज की परवाह करने वाला। गुफ्तगू सफल वक्त इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाहजी और नजफ राजा को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह।